नोएडा के गालीबाज श्रीकांत को सूरजपुर कोर्ट से झटका, बड़ी खबर। सरेंडर की अर्जी पर कोर्ट ने दी 10 अगस्त की तारीख। श्रीकांत त्यागी ने कोर्ट में सरेंडर की दी थी अर्जी। विजुअल के साथ, नोएडा के ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी का मामला। और इसके बाद एक और बड़ी खबर, किसी भी वक्त हो सकती है श्रीकांत की गिरफ्तारी। लेकिन बड़ी खबर, हरिद्वार ऋषिकेश के बीच मिली श्रीकांत की लास्ट लोकेशन। हरिद्वार के एक सीसीटीवी में श्रीकांत त्यागी दिखा। लखनऊ, ऋषिकेश और हरिद्वार में यूपी और उत्तराखंड की पुलिस की रेड। उत्तराखंड में 10 बार मोबाइल फोन ऑन ऑफ हुआ। फरार श्रीकांत के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है, नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी पर कड़ा एक्शन। नोएडा सेक्टर 93B में ओमेक्स सोसाइटी में चला बुलडोजर। विजुअल्स के साथ, कॉमन एरिया और पार्क में अवैध निर्माण तोड़ा गया। श्रीकांत के फ्लैट में अवैध अतिक्रमण हटाया गया। ओमेक्स सोसाइटी ने प्रशासन से की 24 घंटे की सुरक्षा की मांग। ये चारों तस्वीरें दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। ये देखिए, हथौड़ा पड़ा, सोसाइटी में जश्न। कहां है गालीबाज, बुलडोजर चला। बीच में एक और बड़ी खबर, गालीबाज श्रीकांत त्यागी पर 25,000 के इनाम की घोषणा। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर ने श्रीकांत के खिलाफ की गिरफ्तारी के पर रखा इनाम। श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए नोएडा पुलिस की 8 टीमें लगाई गईं।